अगर आप हमें पूछिएगा पर्सनली कि किसको किसके लिए हम सपोर्ट करते हैं, आई ऑलवेज 20 ईयर्स बैक ऑल्सो हम ऑलवेज प्रिफर करते हैं ममता दीदी को और किसी को नहीं, क्योंकि आज वेस्ट बंगाल में ममता दीदी हमारा जान है। सबसे बड़ी बात है पॉलिटिक्स में बहुत लोग आते हैं, पॉलिटिकली बात करते हैं, वी आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स, हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं हैं, बट हम सी जज एंड एक्ट, हम देख रहे हैं, हम जज कर रहे हैं, हम एक्ट करना है कि हमारे लिए कौन ज़रूरी और किसको चुनना है। और आप लोग सभी को, हम सभी को बोल रहे हैं कि प्लीज़ डू वोट फॉर ममता दीदी, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन एंड शी कैन सर्व लाइक मदर ट्रीज ऑल्सो। हमारे कंपनी में नियरली 15,000 प्लस लोग जुड़े हुए हैं और हम डेफिनेटली चाहेंगे कि ममता बनर्जी ही का इस बार फिर से चुनाव हो, बिकॉज वेस्ट बंगाल जो सेफ है अभी तक, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हर, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल अगर वो नहीं रहती। ममता दीदी ही जीते, बिकॉज शी वो बहुत कुछ करती है गरीब के लिए, जितना भी हो सके, जितना भी आज सड़क में गरीब है सबको वो हेल्प करती है, इसीलिए हम लोग और हमारी टीम में भी जितने लोग हैं हम लोग सबको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ सपोर्ट ममता बनर्जी। तो ममता जी की सरकार है क्योंकि उनके अंदर में जात पात या धर्म के लिए कुछ नहीं है, जो भी करते हैं बेस्ट करते हैं, उनके आगे कोई नहीं है, सिर्फ ममता दीदी ही चाहिए हम लोगों के लिए यहाँ बंगाल के लिए, उनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं है, वो हमेशा गरीबों को देखते हैं, गरीबों के साथ हैं, हमारे साथ हैं, यहाँ वो जात धर्म करता कुछ बात ही नहीं करता, जो भी बेस्ट करते हैं बेस्ट, ममता जी से बेस्ट। हम यही चाहते हैं कि ममता दीदी की सरकार रहे बंगाल में, उनके रहते हुए बहुत कुछ अच्छा है हो रहा है, होने वाला होगा इंशाल्लाह फ्यूचर में, तो आप ये ममता दीदी सवार उनकी रहे बीजेपी, इसलिए कि उनके उनकी सरकार में हम लोग बहुत सेफ है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। देखिए ममता है तो कलकत्ता में बहुत सेफ्टी है, शांति है, इसलिए कि ममता है तो समझिए कलकत्ता में शान है। থাকুক এটা এখন না মানে আগামী 5-6 বছর আরও চাই থাকুক, কারণ লকডাউনে আমাদের সাথে যা হয়েছে সিচুয়েশন, তো মমতা ব্যানার্জি আমাদেরকে উদ্ধার করেছে, তাই মমতা ব্যানার্জিকেই আমরা চাই। ममता दीदी हम लोग को लॉकडाउन में बहुत सपोर्ट की है, ऐसी बात नहीं है, हम लोग के लिए हर जगह में लड़ती है, इसीलिए हम लोग चाहेंगे ममता दीदी के अलावा और कोई नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त कोलकाता के मरनी टावर के पास हूँ, जहाँ हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं 2-3 महीना बाद यहाँ पर MLA का चुनाव होने वाला है विधानसभा का, और बहुत सियासी पार्टियाँ अपना किस्मत आजमाई कर रही है, उसमें BJP भी है, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सभी है। हम जानेंगे लोगों से बात करके कि उनका राय किधर है, वो क्या चाहती हैं, वो ममता दीदी की सरकार चाहती है या बदलाव चाहती है या BJP को चाहती है, ये इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ लीजा भी कबाबी के हेड हैं, लीजा मैम उनसे जानेंगे, मैम बताइए कि आपको कैसा लगता है। हाँ लीजा, हम लीजा मैम बोल रहे हैं, अगर आप हमें पूछिएगा पर्सनली कि किसको किसके लिए हम सपोर्ट करते हैं, आई ऑलवेज 20 ईयर्स बैक ऑल्सो हम ऑलवेज प्रिफर करते हैं ममता दीदी को और किसी को नहीं, क्योंकि आज वेस्ट बंगाल में ममता दीदी हमारा जान है, ठीक है, तो हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि ममता के अलावा कोई हमारे पास आए। और BJP जो कोशिश कर रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए जो भी जैसा भी कोशिश करें, सबसे बड़ी बात है पॉलिटिक्स में बहुत लोग आते हैं, पॉलिटिकली बात करते हैं, वी आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स, हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं हैं, बट हम सी जज एंड एक्ट, हम देख रहे हैं, हम जज कर रहे हैं, हम एक्ट करना है कि हमारे लिए कौन ज़रूरी और किसको चुनना है। और आप लोग सभी को, हम सभी को बोल रहे हैं कि प्लीज़ डू वोट फॉर ममता दीदी, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन एंड शी कैन सर्व लाइक मदर ट्रीज़ा ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। तो आप दोबारा चाहती हैं कि एक बार फिर ममता की? यस आई ऑलवेज, हम हर साल अपना, जब तक ममता दीदी, अल्लाह उसको, गॉड उसको ऑलवेज हाथ से अच्छा रखे। कलकत्ता वॉज वेरी बैक, अगर आप देखिएगा एडुकेशन ऑफ कोलकाता वॉज वेरी गुड, बट कोलकाता वॉज वेरी बैक, बट टुडे कोलकाता कैन कंपेयर एनी सिटी, नो प्रॉब्लम, जस्ट बिकॉज ऑफ ममता। अगर आप विलेज एरिया में जाइएगा तो वहाँ पर स्टेशन में एक नलका भी नहीं था, एक वॉशरूम भी नहीं थी, लेकिन ममता दीदी ने इतना किया है लोगों के लिए, इट्स
रियली माइंड ब्लोइंग, नो वन कैन बी लाइक ममता। लिजा मैम और ये चाहती हैं कि दोबारा ममता बनर्जी की सरकार हो। हमारे साथ एक और हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैम नाम बताइए और आप क्या चाहती हैं? मेरा नाम नौशीन अख्तर है। लीजा भी कवाबी और सेव द बेफुट की टीम की तरफ से बोलना चाहते हैं कि हमारे कंपनी में नियरली 15,000 प्लस लोग जुड़े हुए हैं और हम डेफिनेटली चाहेंगे कि ममता बनर्जी ही का इस बार फिर से चुनाव हो, बिकॉज वेस्ट बंगाल जो सेफ है अभी तक, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हर। इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल अगर वो नहीं रहती। यहाँ ना कोई दंगा वगैरह शुरू भी होता है तो मैम इमिडिएटली उसको ख़त्म करवा देती हैं। इस कंपनी में हम पूरे 15,000 लोगों को भी बोलेंगे उनको वोट करने। हम ये बात बोलेंगे कि ममता वेस्ट बंगाल को सेफ जोन में रखा है। आज लॉकडाउन में COVID-19 में ममता दीदी ने जो काम किया, ममता दीदी डरा ही नहीं। शी वॉज नॉट अफ्रेड कि उनको करोना हो जाएंगे, बट शी वेंट टू एवरी प्लेस, टेक इट टू फूल बगान, टेक इट टू ब्राइट स्ट्रीट, टेक इट टू टेंगरा, एवरी वेयर शी वेंट। मोदी सरकार डिड नॉट कम हियर, ममता डिड एवरीथिंग। सो आई वुड ऑलवेज प्रिफर ममता दीदी। आई ऑल्सो वॉन्ट कि ममता दीदी ही जीते, बिकॉज शी वो बहुत कुछ करती है गरीब के लिए। जितना भी हो सके, जितना भी आज सड़क में गरीब है, सबको वो हेल्प करती है। इसीलिए हम लोग और हमारी टीम में भी जितने लोग हैं, हम लोग सबको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ सपोर्ट ममता बनर्जी। बीजेपी को क्यों नहीं चाह रहे हैं, क्यों नहीं आना चाहिए? नहीं देखिए, वो सब तो उसके बारे में हम कि कोई अगेंस्ट कंपनी के अगेंस्ट टीम के बारे में हम नहीं बोलेंगे, बट जिसको हम लोग लाइक करते हैं बस हम उनके बारे बोलेंगे। हम अपने अगेंस्ट टीम के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, बट हम ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी ही जीते, बिकॉज शी इज़ द बेस्ट। थैंक यू। यहाँ चुनाव होने वाला है और आपको कैसा लग रहा है, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार हो? जी मेरा नाम मोहम्मद मुकम्मिल है। मैं चाहता हूँ ममता जी की सरकार है, क्योंकि उनके अंदर में जात पात या धर्म के लिए कुछ नहीं है। जो भी करते हैं बेस्ट करते हैं, उनके आगे कोई नहीं है, सिर्फ ममता दीदी ही चाहिए हम लोगों के लिए यहाँ बंगाल के लिए। उनके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं है, वो हमेशा गरीबों को देखते हैं, गरीबों के साथ हैं, हमारे साथ हैं। यहाँ वो जात धर्म करता कुछ बात ही नहीं करता, जो भी बेस्ट करते हैं बेस्ट, ममता जी से बेस्ट। हाँ, जितने लोग थे सभी से हमने बात की और सब लोगों ने कहा कि उन्हें ममता बनर्जी की सरकार चाहिए, उन्हें और कोई, उनका कहना है कि ममता बनर्जी है तभी मुमकिन है। तमाम यहाँ शांति के साथ लोग रहते हैं, कोई दंगा नहीं होता है, किसी तरह का कोई मामला नहीं होता है। तो हमारे साथ जितने लोग थे आपने सुना कि सभी ये चाहते हैं कि दोबारा से दोबारा ममता बनर्जी की सरकार हो और किसी की नहीं। साथ और एक साहब है, उनसे भी जानेंगे उनका क्या ख्याल है, क्योंकि चुनाव सर पर है और ये क्या चाहते हैं। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? हेलो, हम यही चाहते हैं कि ममता दीदी की सरकार रहे बंगाल में, उनके रहते हुए बहुत कुछ अच्छा है हो रहा है, होने वाला होगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो आप जी, हम ममता दीदी दोबारा उनकी रहे बीजेपी, इसलिए कि उनके उनकी सरकार में हम लोग बहुत सेफ है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। ये हम तमाम बंगाल की इससे चाहते हैं कि ममता दीदी को दोबारा इस चुनाव में जिताएँ, उनको ज़्यादा ज़्यादा वोट से जिताएँ, क्योंकि वो सही है हम लोग के बंगाल के लिए। चीफ मिनिस्टर, थैंक यू। हमारा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन। ये मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब थे, इन्होंने भी कहा कि उनको ममता बनर्जी की सरकार चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी हैं तो ही यहाँ पर शांति है। हमारे साथ एक और है, खातून के ममता है तो कलकत्ता में बहुत सेफ्टी है, सेफ्टी है, शांति है। इसलिए कि ममता है तो समझिए कलकत्ता में शान है। चाहते हैं कि ममता ही रहे, हाँ ममता ही रहे और कोई ना आए, ना कोई बीजेपी फिर कोई ना आए। क्या नाम हो गया? मेरा नाम मुस्कान। थैंक यू। ये थी, थैंक यू, ये थी मुस्कान। और इन्होंने भी कहा कि ममता ही चाहिए और किसी की सरकार उन्हें पसंद नहीं है। दूसरा कोई अगर किसी की सरकार होती है तो जो अभी यहाँ शांति है और जो लोग आराम से रहते हैं उसमें रुकावट आ सकती है। इसलिए यहाँ जितने लोगों ने हमारे साथ बात की, सभी ने कहा कि सामने चुनाव होने जा रहा है, दो तीन महीना के बाद है, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार यहाँ रहे? ममता बनर्जी एखाने थाकू, एटा एखन ना माने आगामी 5-6 बछर आरो चाई थाकू, कारण लकडाउने आमादेर साथे जा होयेछे सिचुएशन, तो ममता बनर्जी आमादेरके उद्धार करेछे, ताई ममता बनर्जीकेई आमरा चाई। শুধু 5-6 বছর কেন, সব সময়ের জন্য চাইছেন? হ্যাঁ একদম চাইছি, হ্যাঁ লাইফ টাইম। আমার নাম সৌমিতা। ওরাও মানে ওরাও ভোট দিক মমতা ব্যানার্জিকে, এটাই চাই। ইনোনে ভি কাহা কে মমতা ব্যানার্জিকে সরকার চাইয়ে, আপ বতাইয়ে। আপনি শগুফতা আলী হ্যায়? শগুফতা আলী বতাইয়ে জি। হম লোগ ভি চাহ রহে কি মমতা দিদি হমেশা রহে
ममता दीदी हम लोग को लॉकडाउन में बहुत सपोर्ट की है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग के लिए हर जगह में लड़ती है, इसीलिए हम लोग चाहेंगे ममता दीदी के अलावा और कोई नहीं आए। ये आपने सुना शगुफ्ता अली की भी बातें, इन्होंने भी कहा कि ममता के सिवा और कोई नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।